हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन है या फिर अगर कोई भी अगर स्मार्टफोन है तो उसके अंदर आपको जो होम स्क्रीन पे बहुत सारे ये देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वैसे एप्लीकेशन आपको बहुत सारे दिखाई देती होंगी। तो मैं आज आपको वही बताऊँगा कि आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हो ताकि आपका जो स्मार्टफोन है वो बहुत अच्छा दिखाई दे और ये जो कुछ एप्लीकेशन दिखती है उसे आप कैसे रिमूव कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल देखिए यहाँ पे जो जितने भी सारे स्मार्टफोन है उसके अंदर जो तो बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, तो आपको यहाँ पे जो तो शॉर्टकट का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जैसे हम यहाँ पे जो प्लस का ऑप्शन जो ऐड का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम जो है तो अपनी एप्लीकेशन को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे आ जाते तो हमको जो है तो बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई देती है। अगर हमको यहाँ पे जो है तो एप्लीकेशन को अगर ऐड करना है तो हमको जो है यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होता है, और अगर हमें यहाँ पे रिमूव करना है तो करना होता है तो ऊपर जो है यहाँ पे हमें माइनस का भी ऑप्शन दिखाई देता है। तो देखिए अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ से जो तो एप्लीकेशन रिमूव हो जाती है, लेकिन अगर हमने प्लस वाले आइकन पर यहाँ पे ऐड किया तो जो तो ऊपर जो है एप्लीकेशन भी यहाँ पे ऐड हो जाती है। तो मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ कि अगर हमको जो तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जैसे हम बैक आ जाते तो बैक आ जाते तो हमको जो है तो होम स्क्रीन पर हमारी जो भी सारे शॉर्टकट्स है या फिर जो भी सारी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सारी की सारी यहाँ पे दिखाई देती है। तो हमको जो है तो यहाँ पे अगर हमको ये सब कुछ जो अगर डिलीट करना है, हमको सिर्फ जो हमारे होम स्क्रीन पे जितनी सारी एप्लीकेशन है वही अगर हमको यहाँ पे दिखाई देनी है तो हमको मैं उसके लिए बहुत सिंपल है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हमको क्या करना है, आपको जो होम स्क्रीन है वहाँ पे आपको उसके प्रेस करके यहाँ पे रख देना है। और देखिए जैसे हम यहाँ पे प्रेस करते हैं तो आपको जो है तो सेटिंग में चले जाना है। तो सेटिंग में चले जाने के बाद आपको जो है तो मोर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग मोर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको जो है तो ऐप होल्ड का जो है तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देता होगा। अगर हम उसे ऑफ़ कर देते तो देखिए यहाँ पे टर्न ऑफ आपको कर देना है और आपको जो है तो बैक आ जाना है। तो आप देखिए यहाँ पे जो है तो आपको कोई भी जो है तो वो ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। देखिए मैं आपको इसे सब कुछ आपको करके भी दिखा रहा हूँ लेकिन वो ऑप्शन अभी आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आपको उसे फिर से अगर लाना है तो आपको फिर से ऐसे होम स्क्रीन को प्रेस करके रख देना है, सेटिंग में चले जाना है, मोर पे ऑप्शन पर क्लिक करना है और ऐप होल्ड पर फिर से ऑन कर देना है और फिर से आपको बैक आ जाना है। तो देखिए आपको जो है तो फिर से वो जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आपको सारी की सारी एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई दे देगी। तो देखिए बहुत सिंपल है, कुछ प्रॉब्लम आती है तब मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। और ये जो मैंने आपको जो बताया आप किसी भी स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये जो तो रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन में दिखाई दे रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन में आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो, बहुत सिंपल है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे हम अपनी वीडियो को अपलोड करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।